वेलकम टू इनहाउस रेसिपीज फ्रेंड्स। आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ ढोकला कैसे बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही लाइट और टेस्टी स्नैक होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। ये मैं बनाने जा रही हूँ चार लोगों के लिए। तो उसके लिए मैंने लिया है एक कप बेसन और आधा कप दही, 1 पिंच हल्दी, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून सरसों, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 4 हरी मिर्चें बीच में से 2 करके काटी हुई चीरा लगाकर, 2 इंच अदरक कसा हुआ, 1/2 टेबल स्पून धनिया बारीक कटा हुआ, 1 इनो और 1.5 टीस्पून ऑयल और 1.5 टीस्पून शुगर, 20 पत्तियां कड़ी पत्ता, 1/4 कप पानी, 1/4 कप पानी जो है वो हम ढोकले के मिक्सचर में बैटर में डालेंगे और 1 कप पानी बाद में जो उसका हम छोक बनाएंगे उसमें डालेंगे। अब एक बोल में हम अपना बेसन डालेंगे सारा और उसे दही डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा दही डालकर हम उसे मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पेस्ट को हमने 4 घंटे के लिए एक तरफ ढककर रख देना है ताकि ये फर्मेंट हो जाए, इसमें थोड़ा खमीर उठ जाए। 4 घंटे बाद हमारा ये इसमें खमीर उठ चुका है बेसन और दही का। अब हम इसे एक बोल में डाल लेंगे इस तरह से। बोल में ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून, नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे, इसे मिक्स करेंगे हल्का सा। अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और साथ ही अपना कसा हुआ अदरक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून शुगर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह। एक एल्युमिनियम के बर्तन में ऑयल लगाकर अच्छे से उसके सरफेस पर ऑयल लगाएंगे, कॉर्नर्स पे ऑयल लगाएंगे, ताकि जब हम इसमें ढोकले का मिक्सचर डालें तो वो इसके बेस पर तली पर ना चिपके। अच्छे से ऑयल लगाने के बाद हम इसे एक तरफ रख देंगे और अपने बनाए बेसन के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे उसमें हम इनो जो है वो डाल देंगे सारा। इनो यानी कि लगभग ये 1 टीस्पून होता है, देखिए 1 टीस्पून इनो डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए इसमें काफी खमीर और उठ चुका है और ये फ्लफी और सॉफ्ट हो चुका है। इसे अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसे अपने तैयार किए हुए एल्युमिनियम के बर्तन में ट्रांसफर करना है। अब हमने एक कुकर में पानी डाल लिया है, उसको हमने लगभग 25% कुकर को पानी से भर लिया है और उसमें हमने एक बीच में कटोरा रखकर उसमें भी पानी आधा भर लिया है। अब अपना जो बेसन का मिक्सचर है हमें उसे इस कटोरे के ऊपर ढोकला मिक्सचर को स्टैंड को रख देना है और हाई फ्लेम पर हमें इसे ढककर 25 मिनट तक पकाना है। हमें कुकर का ढक्कन हटाकर देखते रहना है कि पानी जो है कुकर में वो कहीं कम ना हो जाए या पूरा सूख ना जाए। अगर पानी सूख जाए तो इसमें आपने साइड से 1 गिलास पानी डाल देना है कुकर में। देखिए हमारा जो ढोकला है वो काफी हद तक फूल चुका है। देखिए हमारा ढोकला फूल चुका है। अब हम इसे गैस को बंद करके इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। अब हमें इसे चारों तरफ से इसके किनारे चक्कू से ऐसे अलग करके इसे एक प्लेट में निकाल लेना है, इसको उल्टा करके। अब हमें इसे काटना है इस तरह से, इसके छोटे छोटे पीसेस में हम काट कर अलग करेंगे इस तरह और इसके बाद ऐसे इसके पीसेस बनाएंगे ढोकले के लिए। अब एक पैन में 1/2 टेबल स्पून ऑयल डालकर हम उसे गर्म करेंगे, उसमें सरसों डालेंगे। सरसों को फ्राई करके हमने गैस को कम करके उसमें कड़ी पत्ता डालना है और साथ ही हरी मिर्चें भी डाल देनी है और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हमने इसमें 1 कप पानी डालना है और 1/2 टीस्पून चीनी डाल देनी है और अपना बारीक कटा हुआ धनिया डाल देना है।
और हमने इसे फिर उसके बाद 2 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाना है। हमने अपना बनाया हुआ पानी और चीनी मिर्चों का मिक्सचर इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। लीजिए, हमारा ढोकला तैयार है। अब आप ये टेस्टी ढोकला बनाएं और खाकर इसका आनंद लें। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।